Assalamualaikum viewers, welcome to cook with fatema. आज मैं आपके लिए नींबू पानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। गर्मियों का मौसम चल रहा है और रमज़ान का महीना भी है, तो आप भी इस हेल्दी ड्रिंक को ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं। ये मैंने पानी का जग लिया है, मैंने चिल्ड पानी लिया है, चिल्ड वाटर ये 2 ग्लास के करीब है। मैं 2 ग्लास बनाऊँगी नींबू पानी। ये मैंने लेमन जूस लिया है, ये मैंने 2 टेबल स्पून भर के लिए है। ये 2 ग्लास में बना रही हूँ इसीलिए 2 टेबल स्पून मैंने ये भर कर लिए हैं। ये मैंने चाशनी ली है, ये भी 4 टेबल स्पून भर कर है। 1 ग्लास के हिसाब से हम 2 टेबल स्पून लेंगे चाशनी को। अगर आप चाहे तो शक्कर यानी चीनी भी ले सकते हैं, वो भी हमें 4 टेबल स्पून लेनी है। ये मैंने भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा का पाउडर लिया है, इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये मैंने 1/2 टेबल स्पून के करीब लिया है और ये मैंने पिंच सॉल्ट लिया है यानी नमक। तो चलिए अब हम इस चटपटे खट्टे मीठे नींबू पानी की रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने वो चिल पानी का जग लिया है, उसमें ये नींबू का रस इसमें ऐड कर देती हूँ। फिर इसमें जाएगी ये शक्कर की चाशनी, नमक, और ये ज़ीरा पाउडर। आप चाहे तो इस स्टेज पर काला नमक भी ऐड कर सकते हैं यानी ब्लैक सॉल्ट। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये बन गया हमारा नींबू पानी ठंडा ठंडा। अगर आप चाहे तो इसे नींबू सोडा भी कर सकते हैं। यही सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर इसमें आप थोड़ी सी प्लेन सोडा डाले, किनली की आती है वो, तो आपका बन जाएगा नींबू सोडा। तो चलिए अब मैं इसे सर्व करती हूँ 1 ग्लास में। आप भी रमज़ान में इफ्तार के टाइम पर इसे बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप ज़्यादा ठंडा पसंद करते हैं तो आप इसमें बर्फ़ की टुकड़ियाँ यानी आइस क्यूब भी डाल दें तो और ये चिल्ड हो जाएगा। अगर आप तो मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें मेरी रेसिपी को और कमेंट करके ज़रूर बताएं इसे ट्राई कर करके कैसा बना। फिर मिलते हैं एक और अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।